नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है YS राघव क्लासेस में। मेरा नाम लोकेश अग्रवाल। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 6 जून की। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि दिन भर में जितनी भी घटनाएं देश या विदेश में होती हैं, वो सारी घटनाएं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की होती है, उस घटनाओं को हम अपनी वीडियो में शामिल करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए, ताकि आप तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचे, जिससे आप अपनी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उसमें सहायता प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमारे इस चैनल पर हमारे मित्र, हमारे साथी स्वर्ण सर आपको जीके की क्लासेस देते हैं, और हमारे दूसरे सर योगेश सर आपको रीजनिंग की क्लासेस दे रहे हैं। तो इसलिए हमारा सबसे आग्रह है मित्रों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास सेंड करें, जिससे आपके जो भी मित्र, जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हों किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो उन्हें फ़ायदा हो सके। फ्रेंड्स, तो यहाँ डेली आपके लिए क्लासेस में स्वर्ण सर, योगेश सर और मैं लोकेश अग्रवाल आपके लिए कुछ ना कुछ, जैसे आपको बताइए, लेकर ही आते रहते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके बहुत काम की होती है। चलिए, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट आप इसे मान सकते हैं आज की जीके में फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आया है ये। तो चलिए, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला यानी ए 7, बी 8, सी 5 और डी 3। तो कितने समझौते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच हुए हैं फ्रेंड्स? आपने अपना उत्तर गैस कर लिया होगा, मैं आपको कुछ समय भी देता हूं ताकि आप अपना उत्तर गैस करें, ताकि आपको याद हो सके जल्दी से चीज़ें। चलिए, तो सही उत्तर है ए 7। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप सबका सही आया होगा। देखिए, प्रधानमंत्री यहां पे बात हुई गई, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के तो आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है, आप सब जानते होंगे, कैनबरा, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। चलिए नेक्स्ट अपना हम देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, ठीक है, तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पिकेट पोत्रिक, दूसरा है यानी वी पॉटर पिचेट, सी है अभिषेक मनु और डी है चार्ल्स हैट्रिक। तो सही उत्तर आप सब अपना गैस कर रहे होंगे फ्रेंड्स, तो सही उत्तर चलिए हम आपको बता देते हैं। सही उत्तर है बी पॉटरिक पिचेट। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसने? ट्विटर ने फ्रेंड्स। ठीक है, आप सबके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में
सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में फ्रेंड्स, किस देश का समझौते पर ज्ञापन पर मंजूरी दी गई है? तो किस देश के साथ ये हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने है, ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी तुर्की और डी भूटान। तो सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स, सही उत्तर आप सब गैस अपना कर रहे होंगे, तो सही उत्तर है डी भूटान। फ्रेंड्स, भूटान के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच में समझौते ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर चार, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम यह है, यानी क्या है आपको बतानी है। ये चार आपके सामने दे रखी हैं फ्रेंड्स। पहली है ए जैव विविधता, दूसरी वी स्वच्छ भारत, सी श्रेष्ठ भारत और डी समृद्ध भारत। ये थीम काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक थीम के रूप में पूरा साल मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इस बार की जो थीम है, सही उत्तर है आपका ए जैव विविधता। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस पर जो इस बार की थीम रखी गई है उसका नाम है ए जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है फ्रेंड्स? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए सतीश मिश्रा, बी राजकुमार यादव, सी वीरेंद्रनाथ, डी मोहिनी सिंह। सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने हाल ही में किसको अपना प्रबंध निदेशक बनाया है फ्रेंड्स? तो चारों में से सही उत्तर आपने अपना गैस कर लिया होगा, तो चलिए सही उत्तर है आपका सी वीरेंद्र नाथ। फ्रेंड, वीरेंद्र नाथ जी को हाल ही में सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपना प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है फ्रेंड्स। वीरेंद्र नाथ मिश्र जी इससे पहले गेल इंडिया लिमिटेड, नाम आपने सुना होगा, गेल इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक भी रहे हैं फ्रेंड्स। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स? अभी कल ही निकल के गया है ये, तो आप सबको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, पूरे देश में, ये पूरे विश्व में बल्कि मनाया गया है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। फ्रेंड, आप सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए 10 मिलियन, बी 15 मिलियन, सी 20 मिलियन और डी $50 मिलियन। तो सही उत्तर आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है बी $15 मिलियन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन की मदद का फैसला किया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। काफ़ी प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक भी आप इन्हें कह सकते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स। तो
ए है आपका, चार ऑप्शन दे ही रखे हैं, ए दिलीप कुमार, बी सतीश भडाना, सी बासु चटर्जी और डी भरत बॉस। तो सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है सी बासु चटर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स। 1970 से 1980 के बीच ये लेखक के तौर पर काफ़ी प्रसिद्ध रहे और इनकी कई फिल्में आपने देखी होंगी फ्रेंड्स, जिनमें से एक फिल्म जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई इनकी 1986 में आई हुई चमेली की शादी, आप सबने आई होप देखी होगी चमेली की शादी फिल्म फ्रेंड्स, काफ़ी सुप्रसिद्ध फिल्मों में से एक रही इनकी चमेली की शादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है बासु चटर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव भी रहे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो सामने आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ए राजीव टोपनो, बी संजीव बालिया, सी जे डी सिन्हा और डी महेंद्र रावत। सही उत्तर आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, सही उत्तर है ए राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप सबने इस समय कोरोना के जो महावैश्विक महामारी फैली हुई है भारत में, आपने ये शब्द ज़रूर सुना होगा, तबलीगी जमातियों जो कि विदेश से भारत आए हुए थे, 2550 लगभग इनकी संख्या केंद्र सरकार के द्वारा नापी गई है, जो नियमों का उल्लंघन करके भारत में जिन्होंने अपनी रैली वगैरह आयोजित की थी, तो उन पर कितने साल का प्रतिबंध भारत सरकार द्वारा आने वाले समय पर लगा दिया गया है। तो चार ऑप्शन है, 5 साल, बी 10 साल, सी 15 साल और डी 20 साल। तो सही उत्तर आप सबने गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स, बी 10 साल, आने वाले 10 साल तक के लिए जो 2550 विदेशी तबलीगी जमाती के रूप में भारत आए थे, उन पर केंद्र सरकार ने 10 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है कि वह भारत अब नहीं आ सकते। आप सब ने हाल ही में इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, क्योंकि तबलीगी जमातियों के कारण ही ये भी एक कारण है भारत में कोरोना को फैलने का, जिससे कोरोना भारत में बहुत तेज़ी से फैला है फ्रेंड्स। और भी कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण यह भी माना गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।